नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके इस चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। आज का ये वीडियो है कि हमने चैत्र नवरात्रि में अपने घर में कैसे पूजा की और विशेषतः माँ के अष्टमी के दिन, जो कि नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, दुर्गा अष्टमी, उस दिन हमने अपने घर में किस तरह से माता की पूजा की। हमने माता अंबाबाई की स्थापना की, आप देख सकते हैं। दोस्तों, देश के कई प्रांतों में माँ महागौरी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। स्पेशली बंगाल में तो की ही जाती है, इसलिए हमने माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की है। सबसे पहले हमने पार्टी में श्री गणेश जी को उनकी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि माँ के साथ हमने उनका विराजमान किया। इसके बाद पार्टी में हमने बीच में माँ अंबाबाई की इस मूर्ति को विराजमान किया, जिनकी हम आज प्रतिष्ठा कर रहे हैं। साथ में है माँ शेरावाली, माँ अम्बा, माँ महालक्ष्मी, माता गायत्री और माता सरस्वती, और साथ में आप देख सकते हैं माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। माँ अन्नपूर्णा को चावलों पर बिठाया जाता है और माँ के सामने रखा है एक कटोरी या वाटी, जिसमें कि हमने खीर रखा है, क्योंकि माँ का प्रसाद खीर होता है। दोस्तों, हर पूजा की तरह हमने पूजा की शुरुआत की श्री गणेश की पूजा वंदना से। हमने श्री गणेश का पंचोपचार से पहले पूजा किया। इसके बाद माता अम्बा, महालक्ष्मी, लक्ष्मी माता, गायत्री माता और सरस्वती माता की हमने विधिवत उनका स्वागत किया, उनको पुष्प चढ़ाए, उनको अर्घ्य दिया। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हम उनको पंच अमृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से हमने उनका अभिषेक किया। तो ये वीडियो हो रहा है कि हमने किस तरह से माँ के अभिषेक की। हमने एक ही थाल में हमारे घर में जो माता की मूर्तियाँ और हैं उनको बिठा करके उनकी हमने दुग्ध अभिषेक, घृत अभिषेक, दही दधि अभिषेक, मधु अभिषेक और शर्करा स्नानम, इस तरह से हमने करवाया। और अंत में हमने उनका जल से अभिषेक, यानी कि जल से स्नान करवा के फिर हमने माँ का श्रृंगार किया। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात ही है कि हमारे चैनल का उद्देश्य ही है कि हम आपको सरल और संक्षिप्त रूप में पूजा करना सिखाएं, तो इस तरह से अगर आप अपने घर में पूजा करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। जब भी आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से माँ का स्नान करवाएं या आप किसी भी देवता का स्नान कराएं, और अगर आपको मंत्र नहीं आते हो तो चिंता मत करें दोस्तों, आप सिंपल वे में दधि स्नानम समर्पयामी, दुग्ध स्नानम समर्पयामी, मधु स्नानम समर्पयामी, घृत स्नानम समर्पयामी, शर्करा स्नानम समर्पयामी, इस तरह के मंत्रों का जाप करते हुए पूरी निष्ठा से माँ को और या फिर गणेश जी को या किसी भी देवता को उनका अभिषेक करें। तो इस तरह से आप अपनी पूर्ण श्रद्धा से बिना किसी मंत्र के भी आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस तरह से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उन्हें ही पंचामृत से उनका हम अभिषेक करते हैं, तो पंचामृत से अभिषेक करने से और स्नान के दौरान अगर आप हल्के हल्के हाथों से माँ की पीतल की मूर्तियों को या अष्टधातु की मूर्तियों को भी हल्के हल्के हाथों से अगर आप उनका मले भी, तो एक चमक आती है। तो पीताम्बरी या फिर किसी भी केमिकल के बिना भी आप स्पेशली दही, क्योंकि दही खट्टा होता है, और चीनी, दही और चीनी के मिश्रण से अगर आप हल्के हल्के हाथों से मले तो मूर्ति में बहुत चमक आएगी। तो दोस्तों, माँ के स्नान के बाद हमने उन्हें पोंछ दिया और उन्हें विराजमान कर दिया है अपनी जगह पे। अब हम स्पेशली माँ अंबाबाई महालक्ष्मी की स्थापना कर रहे हैं, तो हल्दी और कुमकुम से उनका हम अभिषेक कर रहे हैं। उनको हम हल्दी और कुमकुम निवेदन कर रहे हैं। माँ को हमने नए वस्त्र भी अर्पित किए, नए आभूषण अर्पित किए और फूलों से माँ का श्रृंगार किया। अब हम सभी देवियों को हरिद्रा और कुमकुम, पहले हल्दी और इसके बाद हम कुमकुम अर्पित करेंगे।
माँ दुर्गा को हमने किया माँ लक्ष्मी को, माँ पंचमुखी गायत्री को, माँ सरस्वती को, माँ अन्नपूर्णा को, इस तरह से हमने हल्दी और कुमकुम से पहले उनको उनकी पूजा की। और दोस्तों विशेषतः माता अंबाबाई महालक्ष्मी जिनकी आज हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं अपने घर में, उनको हमने हरिद्रा से और कुमकुम से उनके पाँव में हमने बार बार उनकी पूजा की। इस तरह की पूजा कोल्हापुर में भी की जाती है, स्पेशली कुमकुम से, और माँ को ये बहुत प्रिय है। लीजिए, हल्दी के बाद हमने कुमकुम भी माँ को समर्पित कर दिया है। दोस्तों हमने माँ को हरे रंग की ये वस्त्र और एक आभूषण माँ को हमने समर्पित किए हैं। हमने माता अन्नपूर्णा को भी वस्त्र समर्पित किए, उन्हें लाल पुष्प और गेंदे के फूल से हमने सभी माताओं देवियों का श्रृंगार किया है। दोस्तों माँ के पूर्ण श्रृंगार के बाद, उन्हें पुष्प अर्पित करने के बाद, हमें जैसे ऐसा ही लगा कि जैसे हम स्वयं कोल्हापुर जा कर के माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी माता के हम दर्शन कर रहे हैं, और ऐसे ही हमको एक आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये देखिए पूरा श्रृंगार दर्शन हमारी पूजा के बाद अब हम नैवेद्य और भोग और उसके बाद आरती करेंगे। दोस्तों नैवेद्य या भोग में हमने अपने ही घर में बनाए हुए नैवेद्य का चावल है, सब्जी है, दाल है, भाजा है, फल है, और स्पेशली हमने खीर का हमने माँ को नैवेद्य अर्पित किया है, क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा के दिन खीर ज़रूर माँ को चढ़ाया जाता है। निवेदन के बाद आइए अब हम उनकी आरती का आनंद लें। माँ को हमने सिंपल धूप और दीप से ही उनकी हमने आरती की घर में। इस प्रकार हमने अपने नवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन माँ की पूजा संपूर्ण करी दिन में, और शाम को भी हमने फिर से माँ को हमने उन्हें नैवेद्य मिठाई का भोग लगाया, और उनकी शाम को भी हमने संध्या आरती की। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।